हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर मशीन के जार को कैसे खोला जाता है। देखिए, यह है जूसर मिक्सर ग्राइंडर मशीन का जार। इस जार को कैसे खोला जाता है, यानी कि ग्राइंडर मशीन का जार जो होता है, कोई भी जार हो, छोटा बड़ा किसी प्रकार का जार हो, उसे किस प्रकार खोला जाता है मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, इधर कपलिंग है, इस कपलिंग को ही खोलना है। हमेशा पीछे से ही खोला जाता है इसे। कपलिंग खराब हो जाए या फिर इसका ब्लेड खराब हो जाए, ब्लेड टूट जाए, ब्लेड का धार खराब हो जाए, तो इसे खोलते कैसे हैं बदली करने के लिए, हमें इसे बदलना हो तो इसे खोलें कैसे। देखिए, ये नट बोल्ट को देखिए, इस नट बोल्ट को देखिए, इसका नट इस प्रकार देखिए खोला जा रहा है। तो नट बोल्ट को जिस प्रकार खोला जाता है, ठीक इसका उल्टा होता है कपलिंग में। जिसे इस प्रकार खोला जाता है तो कपलिंग में इस प्रकार से इसका ठीक उल्टा टाइट होता है, जब हम कपलिंग लगाते हैं तो। अब इस नट को हम टाइट करेंगे, देखिए, तो कपलिंग में ठीक इसका उल्टा होगा कि वहां पर अगर नट बोल्ट को टाइट किया जाता है तो कपलिंग में को ठीक इसका उल्टा खोला जाता है। देखिए, देखिए इस कपलिंग को किस प्रकार खोला जाता है। इस तरफ से आप जो ब्लेड है इसका, उस ब्लेड को इस तरह हाथ से पकड़कर कपलिंग को घुमाएंगे तो खुल जाएगा। अगर अधिक टाइट है तो एक कपड़ा ले लेते हैं मोटा जैसा, और इसके अंदर में डालकर इस ब्लेड को पकड़ लेते हैं अच्छी तरह से, और इसे जोर लगा के खोलते हैं। देखिए, इस कपलिंग को इस प्रकार खोलेंगे। देखिए, ये नट बोल्ट को मैंने जिस प्रकार टाइट कर रहा था, ठीक इसका उल्टा देखिए घूम के खुल रहा है। तो आप याद रखिएगा, नट बोल्ट को जिस प्रकार से टाइट किया जाता है, ठीक उसके उल्टा तरीका से ये खुलेगा। यानी कि घड़ी जिस दिशा में घूमता है, उसी दिशा में इसे घुमाकर कपलिंग को खोलना है। अब हम देखिए, इसे निकाल लेते हैं ब्लेड को इस प्रकार से खींचकर। अब अगर आपका ब्लेड टूट गया है या फिर इसका धार खत्म हो गया है, तो इसके जगह पर नया लगा सकते हैं आराम से इस प्रकार से। और फिर जो वाशर है, वो वाशर अपने जगह पर लगा करके इस कपलिंग को देखिए टाइट कर देना है, ठीक जिस प्रकार नट बोल्ट को हम लूज करते हैं, यानी कि खोलते हैं नट बोल्ट को, उसके उल्टा इसे टाइट करना है। अच्छी तरह से इसे टाइट कर देना है। तो याद रखिएगा, नट बोल्ट जिस दिशा में खुलता है, उसका उल्टा दिशा में ये जार का कपलिंग टाइट होता है, और जिस दिशा में नट बोल्ट टाइट होता है, उसका उल्टा कपलिंग को हम लोग लूज करते हैं।
इस नट बोल्ट का सारा फंक्शन जिस प्रकार है टाइट करने लूज करने का, उसका उल्टा कपलिंग में टाइट और लूज होता है, याद रखिएगा।